वही बच्चा जो है आगे, वही इस पर काम आया है कि इसने। हाँ बाकी ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसका ट्यूशन जो था वो मलिक मार्केट में है, मकबूल सर वो पढ़ाते थे, बड़ी अच्छी ट्यूशन उन्होंने इनको किया है, बड़ा बच्चों को किया है। दूसरा वहाँ का है सर मुबारक मंडी गवर्नमेंट स्कूल का, टीचर्स का उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। मुझे भी, मैं भी जब कभी इसके स्कूल में गया, बच्चों ने मतलब PTM के लिए या कभी बुलाया गया, वो हर चीज़ जो है बच्चे की दिखाते रहे हमें। मैं उस प्रिंसिपल का भी, उस स्कूल का, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी जो है जहाँ मेरी बेटी पढ़ती थी, उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ, मैडम को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैडम ने काफ़ी फोकस दिया इस पर और काफ़ी अच्छी तरह इसने पढ़ाई वहाँ स्कूल में की है। बस ये है कि हमें स्कूल वालों पे बड़ा अप्रिशिएट है कि वो डिपेंड नहीं करता कि बच्चा आपका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या प्राइवेट स्कूल में, डिपेंडिंग ऑन सेल्फ स्टडी कि बच्चा कैसा करता है, कैसी स्टडी करता है, कैसा कुछ नहीं है। अब मेरी बेटी आपके सामने है, देख लो 10+2 में, 10th 11th से ये वहाँ मुबारक मंडी में मैंने डाली। और आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मलिहा मलिक जी, जिन्होंने 12th मेडिकल में जो है लगभग 93% मार्क्स के साथ जो है पास किया है। मलिहा, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू मलिहा। अगर बात करें हम, ये जो आपको खुशखबरी मिली कब, किस वक्त, कल ही रिज़ल्ट आउट हुए और कितना इंतज़ार था और क्या आपने सोचा था कि कितने नंबर्स आपको आ रहे हैं या किस तरह की तैयारियाँ थी? वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट, बहुत डिले कर दिया था इस बार तो जेके बोस वालों ने, लेकिन स्टिल आई वॉज डिजर्विंग, मतलब एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर नंबर, बट इट्स ओके, ठीक है, माई पेरेंट्स आर हैप्पी अबाउट इट, सो दैट्स व्हाट रियली मैटर्स टू मी। जब आपको पता चला आपका, मतलब जब रिजल्ट आया, किस तरह का रिएक्शन रहा और सबसे पहले आपको किसने इन्फॉर्म किया कि आप कर जो रिजल्ट आया हुआ? इन्फॉर्म तो मेरे एक फ्रेंड ने टेक्स्ट किया था, शी वाज सेइंग कि रिजल्ट आया एंड ऑल दैट। फिर हमने देखा, पहले जब रिज़ल्ट आया था तो लिंक में रजिस्ट्रेशन नंबर वो मांग रहे थे वो लोग, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया, बाकी तो ठीक था। फिर मम्मा को पता चला, मम्मा वॉज हैप्पी, देन डैड वो भी हैप्पी थे, तो ठीक है, सब ठीक है। अब आपको मतलब रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए, कैसा लग रहा है? मेरे को अपना तो ज़्यादा कुछ नहीं है, माई पेरेंट्स आर हैप्पी एंड दे आर फीलिंग प्राउड फॉर मी, सो वही ज़्यादा होता है कि उनको खुश करना, बस ज़्यादा ठीक है मेरी तरफ से, दे आर हैप्पी तो आई एम गुड। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? 10th तक तो आई वॉज इन कारमल कुंजवानी में, बट देन 11th में आई गॉट इन टू मुबारक मंडी जो स्कूल है वहाँ पे। जी, और ट्यूशंस थी साइड पे, लेकिन स्कूल वही था। तो एग्ज़ाम टाइम पे किस तरह की तैयारियां थी, टाइम मतलब शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का, कोई एक्स्ट्रा कुछ? पढ़ाई में तो आई वाज अ लिटिल वीक इन फिज़िक्स में, तो आई फोकस्ड मोर इनटू फिज़िक्स देन अदर सब्जेक्ट्स, तो या फिज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता था मेरा एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायो, सो या मतलब ठीक था, मतलब रात को आई यूज़ टू स्टडी, मेरा टाइम शेड्यूल रात को ही होता था मोस्टली, तो या घर परिवार फैमिली का किस तरह का सपोर्ट मिलता था? बहुत सपोर्ट था, माय डैड मतलब मॉम डैड आर लाइक ओके कि जितने मर्जी तू रैंक ले, ग्रेड्स ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट्स ऑन मी कि उनको खुश करना है और प्राउड करना है। तो या उनका फुल सपोर्ट रहता था कि तुझे जितने भी लेने हैं, स्ट्रेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? पढ़ाई के अलावा आई लाइक टू रीड, समटाइम्स रीड करती हूँ नॉवल्स वगैरह, बाकी या स्कूल में आई यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल, बट अब थोड़ा कम हो गया, कम कर दिया। या तो फैमिली में भाई बहन और कौन कौन है? मेरा भाई है बड़ा, एक छोटा भाई है। मेरे को भाई से एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। बड़े भाई से, छोटे जी, भाई से? बड़े भाई से। अच्छा। वो बहुत लाइक ही इज़ वेरी सीरियस टूवर्ड्स हिज स्टडीज़, तो उसकी वजह से बहुत मोटिवेशन मिली है, और मतलब ही हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू स्टडी मोर। या उसने एक्सेल किया तो उसको देख देख के I'm like I have to do this and क्या नाम है आपके भाई साहब का? फिजान मलिक नाम है उसका। फिजान मलिक जी अभी साथ में नहीं है, ऐसा क्यों? अभी आई डोंट नो, कहीं होगा वो ऊपर, उसके भी एक्चुअली एग्जाम्स हैं अभी थोड़ी देर में, तो ही माइट बी स्टडिंग। आप आगे क्या करना चाहते हो, इन फ्यूचर आप क्या सोच रहे हो? अभी तो एज सच मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन आई एम थिंकिंग अबाउट नीट, बट देन अदर ऑप्शंस भी हैं मेडिकल में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नीट, सो देखते हैं। आई एम थिंकिंग कि ठीक है नीट अगर हुआ तब भी ठीक है, नहीं भी हुआ आई एम ट्राइंग कि हो जाए, बट ठीक है अभी आई एम थिंकिंग अबाउट इट, नॉट वेरी श्योर। आप
कह रहे हो कि आपके जो नंबर्स आए हैं या परसेंटेज जो आई है आप उससे इतना खुश नहीं हैं, कुछ कम आए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी जो पास ही नहीं हो पाए, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? रिजल्ट इस बार एक्चुअली बहुत गंदा गया है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब आई डोंट नो अबाउट चेकिंग कि कैसा हुआ है, लेकिन रिजल्ट इस बार 65% आया एज आई हर्ड, एंड ठीक है, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर, बट देन आई सॉ द रिजल्ट ऑफ अदर्स ऑल्सो, बट फिर आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब ठीक आया मेरा रिजल्ट, इतना बुरा नहीं आया है, तो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट. एज आई टोल्ड यू इट्स मोर अबाउट माई मॉम एंड डैड कि वो हैप्पी है और प्राउड है मेरे लिए, दैट इज समथिंग दैट रियली मैटर्स टू मी. बाकी ठीक है. तो ये जो एजुकेशन पॉलिसीज में जो बदलाव किए गए हैं, CUET या बाकी सारे जो बदलाव किए गए हैं, कैसे देखते हो आप इसको? CUET का तो मेरा यही है कि लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहा? CUET इट्स आई डोंट नो कि मेरा तो ऐसा ही है कि 12th में ही मतलब जितने नंबर लिए हैं उसके हिसाब से ही लेना चाहिए, बट CUET इज़ लाइक ज़्यादा कर दिया है कि CUET देना है उसके बाद वो हो जाएगा. 12th के मार्क्स के रिजल्ट पे भी यू कैन टेक स्टूडेंट्स, राइट? सो आई एम नॉट अगेंस्ट, यू कैन से CUET, बट लाइक इट्स ओके फॉर मी. या तो यहाँ पे माता पिता भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे. सर पूरा नाम जानना चाहेंगे. सर मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, तो मेरी बेटी का है, इसका ही कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा. सर तो जिस तरह से अभी रिज़ल्ट जो है काफ़ी डिले भी हुआ है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा बच्चों को भी, उनके माता पिता को भी, आपको भी काफ़ी देर से इंतज़ार रहा होगा कि बच्ची का मतलब रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, तो क्या सोच थी आपके दिल में? सर यही सोच थी कि बच्ची का एक्सपेक्टेशन थी, इसकी स्टडी इसने अच्छी की है, अच्छा तैयारी किया, और रात सुबह शाम ये बहुत मेहनत करती थी, रात को भी काफ़ी स्टडी इसने लड़की ने की है. दूसरा मेरा आपका पूछना है कि मेरा उसके बारे में क्या ख्याल है कि ये जो डिले हुआ है रिज़ल्ट, उसके लिए ये है कि कई एग्ज़ामिनेशन ऐसे हैं, जिस तरह एम्स का हो गया, एम्स का फॉर्म भी जो है वो लग गया है. अच्छा. तो उसमें हाँ, एम्स का फॉर्म जो है उसकी डेट शीट ख़त्म, एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट हो गया, उसका तो 11th को रिज़ल्ट है. अब जो बच्चा 12th का अभी रिज़ल्ट आ रहा है वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, तो कई ऐसी फॉर्म्स हैं, कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं, कई ऐसे फॉर्म्स हैं जो बच्चा फिल नहीं कर सकता इस, तो बच्चे का वो डिले का ये हो सकता है, बाकी मैटर का नुकसान हुआ है बच्चों का. तो बाकी ये है कि सर मेरी बच्ची का जो है ये इनका अपना स्टडी है, माँ बाप तो सर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छी तरह से वो दें, जो बच्चे को नीड है, बच्चे फैसिलिटीज़ वो हर माँ बाप देता है, हमारा नहीं, हर माँ. बाकी अब डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड के बच्चा कैसा स्टडी करता है, फोकस पढ़ाई पे देता है, स्टडी अच्छी तरह कर रहा है, टाइम पे उसको पिक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो तो बच्चे पे है सर. बाकी ये है कि हमें खुशी है कि हमारी बच्ची ने मेहनत की है और मेहनत रंग लाई है. इसकी तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लेकिन चलो अच्छा है, इस बार थोड़ा चेंज भी हुआ है, तो खुशी है, हमें बहुत खुशी है कि चलो मेरी बच्ची ने अच्छे मार्क्स लाए. ये जो एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? सर इट इज़ अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट, सर इट्स अ पॉलिसी मैटर, आई डोंट, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता. मगर जो भी है बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ हो गया है, चेंजिंग जो है काफ़ी चेंजिंग हुई है. देखो किसी बच्चे का, कोई बच्चा ये अभी आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये इसका ये जो बच्चा पेयर दे CBT का जो पेपर दे रहा है, अब एक बच्चे का जम्मू में नंबर आ रहा है, दूसरे का वो फर्स्ट पेपर देता है, जैसा साइंस स्ट्रीम में बच्चा है तो वो फर्स्ट पेपर देता है जम्मू में, सेकंड पेपर उसका चंडीगढ़ में हो रहा है. अब जिस तरह इसका इंग्लिश का जनरल नॉलेज का पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर जो है इसका पता नहीं चंडीगढ़ आता है जम्मू आता है, इट इज़ ए मैटर ऑफ के क्या पता कहाँ आएगा. मतलब वो एक साइकोलॉजिकली लगा है कि नहीं यार जम्मू से पता नहीं हमें चंडीगढ़ जाना है सेकेंड पेपर देने के लिए, तो वो बड़ा टिपिकल हो गया. तो लास्ट टाइम में हाँ ज़हनी तौर पर बच्चा परेशान है बच्चा, ये चीज़ है. तो बाकी ये है कि सर इसका जो भी है ठीक है, अच्छा रिजल्ट है, मुझे खुशी है अपनी बेटी पे, प्राउड है मुझे अपनी बेटी पे कि अच्छा कर रही है मेरे बेटी, अच्छा किया इसने रिजल्ट, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. भला इसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि इसने जैसा पेपर किया है, लेकिन ये कि सेल्फ स्टडी करती थी, रात को काफ़ी डीपली थारोली उसको अच्छी तरह पढ़ती थी, उस चीज़ की हमें खुशी है कि हमारी बच्ची ने जो मेहनत है इसकी रंग लाई है. माता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करें. मैम कैसा लग रहा है आपको, लोग आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? खुशी हुई, काफ़ी खुशी हुई, सारे कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, काफ़ी खुशी है दिल में, बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि अच्छे मार्क्स लिए मेरे बेटे ने, बड़े अच्छे मार्क्स लिए, इससे बड़ा है ये अच्छे मार्क्स लिए, अच्छी खुशी हुई. बच्ची खेलती वेलती भी है कि खाली पढ़ती है? नहीं नहीं, सब पसंद टाइम टू टाइम करती है अपना, सब को खेलती भी है, पढ़ती भी है, ये नहीं है खाली पढ़ाई की साइड लग जाती है, सारे का काम करती है, खेलने वाली साइड भी है,
फ्रेंड के साथ घूमना शूमना वो भी सब चलता है। उसके काफी हैं, वो अच्छा है, है। लेकिन थारोली पढ़ती है, ये पक्की है कि स्टडी अपनी करती है, किताबों बुक्स के ये मतलब मेरे उन बच्चों को भी है कि ये थारोली इतनी मतलब ये है कि ये लेसन को पूरा रीड करती है, ये नहीं है कि क्वेश्चन किए रट्टा लगाया वैसा कुछ नहीं था, ये पेपर को जो है ना ये क्वेश्चन जो इसका लेसन होता था लेसन को पूरा रीड करती थी। और वही बच्चा मेरे ख्याल में क्योंकि वहाँ तो आपको पता है जो बच्चा सेल्फ खुद लिखता है जो उसने नॉलेज है जो है वही बच्चा जो है आगे वही इसके काम आया है कि इसने हाँ। बाकी ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसका ट्यूशन जो था वो मलिक मार्केट में है, मकबूल साहब मकबूल सर वो पढ़ाते थे, बड़ी अच्छी ट्यूशन उन्होंने इनको किया है, बड़ा बच्चों को वो किया है। दूसरा वहाँ का है सर ये मुबारक मंडी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स का उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, मुझे भी मैं भी जब कभी इसके स्कूल में गया बच्चों ने मतलब पीटीएम के लिए या कभी बुलाया गया वो हर चीज़ जो है बच्चे की दिखाते रहे हमें, मैं उस प्रिंसिपल का भी उस स्कूल का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी जो है जहाँ मेरी बेटी पढ़ती थी उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ, मैडम को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैडम ने काफ़ी फोकस दिया इस पर और काफ़ी अच्छी तरह इसने पढ़ाई वहाँ स्कूल में की है। बस ये है कि हमें स्कूल वालों पे बड़ा अप्रिशिएट है कि वो डिपेंड नहीं करता कि बच्चा आपका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या प्राइवेट स्कूल में, डिपेंडिंग ऑन सेल्फ स्टडी कि बच्चा कैसा करता है कैसी स्टडी करता है कैसा कुछ नहीं है। अब मेरी बेटी आपके सामने है देख लो 10+2 में 10th 11th से ये वहाँ मुबारक मंडी में मैंने डाली और अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी कारवल कॉन्वेंट में, लेकिन 11th 12th में आप देख लो कि वहाँ मुबारक मंडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के मेरी बच्ची ने इतने मार्क्स लाए हैं, तो वो बाकी आप बेहतर जानते हैं आपके सामने हर चीज़। तो ये है कि मैं स्कूल वालों का खासकर प्रिंसिपल का इसकी जो बायो की मैडम थी उनका बड़ा मतलब वो है कि उन्होंने बहुत मेहनत करवाई इसको, काफ़ी फोकस किया किसी चीज़ की नहीं इसको समझ आई, उन्होंने कहा ऐसे बच्चा ऐसे रीड करना हर चीज़ जो है उन्होंने बताई, तो उस चीज़ के लिए मैं स्कूल वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर जहाँ ये कोचिंग मतलब ट्यूशन इसने लगाई थी जहाँ वो कोचिंग मतलब पढ़ती थी ये शाम को ट्यूशन, तो वो उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच कि मकबूल सर ने भी बहुत मेहनत करवाई, उन्होंने बहुत मेहनत कराई स्कूल वालों ने तो मेरे बच्चे ने 90 से वो मार्क्स लाए। बिल्कुल बिल्कुल, चले हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है। मलिहा अगर बात करें हम आपकी जो कामयाबी है इसका अगर हम क्रेडिट की बात करें कि क्रेडिट किसको आप देना चाहेंगे, किन लोगों का ज़्यादा योगदान जो है आपके इस कामयाबी में रहा? पहले तो टीचर्स, ट्यूशन में आई हैड फेवरेट सर मेरे एक्चुअली केमिस्ट्री के थे तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा जी तौफीक नाम है उनका, वो बहुत मदद कराते थे लाइक उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है। सेकंड टीचर्स हो गए, फिर उसके बाद माय मॉम, बहुत योगदान है मेरी मॉम का, बहुत सपोर्ट करते थे वो ये वो, तो टीचर्स और ऊपर से स्कूल भी, स्कूल में भी जितने टीचर्स थे सब ने बहुत हेल्प किया, जहाँ पे आई हैड डिफ़िकल्टी तो देवर देयर फॉर मी फॉर चेकिंग ऑन मी कीप चेक्स ऑन मी, तो ठीक है सब ने हेल्प किया टीचर्स ने स्पेशली। कोई टिप्स आप देना चाहेंगे जो बच्चे बच्चियाँ आपको देख रहे हैं? ये कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी इज़ द की, तुम फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करो और यूट्यूब स्पेशली यूट्यूब में बहुत चीज़ें होती है जहाँ तुम सीख सकते हो, जो कुछ नहीं समझ आ रहा है यू कैन डू दैट और सेल्फ स्टडी आई वुड से। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं? नहीं सेल्फ स्टडी तो आपको पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा या चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मलिहा मलिक जी जिन्होंने 93% नंबर्स के साथ जो है 12th मेडिकल जो है वो क्लियर किया है, इनके माता पिता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मजेद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।